विक्रम लैंडर फिर दिखा सकता है पराक्रम, अपने पैरों पर हो सकता है खड़ा। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर के गिरने से इसरो अभी निराश नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि विक्रम लैंडर अपने तय स्थान से करीब 500 मीटर दूर चांद की जमीन पर गिरा पड़ा है, लेकिन अगर उससे संपर्क स्थापित हो जाए तो वह वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसरो के विश्व सूत्रों के मुताबिक चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में वह टेक्नोलॉजी है कि वह गिरने के बाद भी खुद को खड़ा कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उससे कम्युनिकेशन सिस्टम से संपर्क हो जाए और उससे कमांड रिसीव हो सके। यूपी को बांटने व दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने जा रही है मोदी सरकार। क्या मोदी सरकार उत्तर प्रदेश को बांटने और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मूड में है? सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल रही है। इन खबरों की माने तो लुटियंस दिल्ली को छोड़कर बाकी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और उत्तर प्रदेश का विभाजन कर 3 भागों में बांटने का प्रस्ताव है। हालांकि अब इन खबरों की किसी भी स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर दोहरी मार, चालान के पैसे नहीं भरने पर महंगी होगी इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर कोई व्यक्ति चालान कटने के बाद भी जुर्माने की रकम को नहीं भरता है तो फिर वो बीमा प्रीमियम से जुड़ जाएगी, ताकि अगली बार बीमा कराने पर लोगों को यह रकम देनी पड़े। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों के पास कोई वाहन है और चालान हो जाने के बाद अगर वो व्यक्ति उस रकम को नहीं भरेगा तो ऐसी राशि को बीमा प्रीमियम से जोड़ दिया जाएगा। इससे पुराने लंबित मामलों में ट्रैफिक पुलिस को रकम वसूलने में आसानी हो जाएगी। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली में ही लागू किया जाएगा। कबाड़ के ढेर में मिले साहिर लुधियानवी के पत्रों और हाथ से लिखी नज़में। दिग्गज शायर एवं गीतकार साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए तमाम पत्र, डायरियां और नज़में मुंबई में एक कबाड़ की दुकान में मिले हैं। एक एनजीओ ने इन्हें 3,000 रुपए में कबाड़ की दुकान से खरीद लिया। जुहू में स्थित कबाड़ की दुकान से संग्रहित ली गई इन चीजों को अब एनजीओ प्रदर्शित करने की तैयारी में है। इस संस्था के संस्थापक शिवेंद्र सिंह डुंगरूपुर ने कहा, डायरियों में उनके रोज के कार्यक्रम, जैसे कि वो गानों की रिकॉर्डिंग के लिए कहां जाएंगे और ऐसी ही तमाम निजी बातें लिखी हुई हैं। उनकी लिखी कई नज़में और नोट्स भी हैं। इन नोट्स का संबंध उनके प्रकाशन संगठन पर्चियां से है। दिन दहाड़े भाजपा नेता की हत्या से सनसनी पुलिस चौकी से कुछ दूर बदमाशों ने मारी गोली। हापुड़ के धौलाना के सपनावत पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर सोमवार सुबह सरेआम एक भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना से जहां पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि धौलाना के भाजपा मंडल महामंत्री करणपुर जट निवासी राकेश शर्मा रोजाना की तरह बाइक पर स्कूल पढ़ाने जा रहे थे। इसी बीच पर कुछ कार सवारों ने दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स व आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच कर रहे हैं। गगनयान के लिए चुने गए 10 पायलट, वायुसेना ने पहला चरण किया पूरा। सिर्फ चांद ही नहीं, पूरा अंतरिक्ष हमारा है, इसलिए चंद्रयान 2 मिशन के बाद इसरो और भारतीय वायुसेना गगनयान मिशन में लग गए हैं। गगनयान भारत का वो महत्वाकांक्षी मिशन है जिसमें 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा के लिए भेजना है। भारतीय वायुसेना ने इसके लिए 10 टेस्ट पायलटों का चयन कर लिया है। भारतीय वायुसेना ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के चयन का पहला चरण पूरा कर लिया है। ओडिशा की आदिवासी लड़की ने बनाया कीर्तिमान, बनी पहली कमर्शियल पायलट। ओडिशा के माओवादी प्रभावित मलकानगिरी जिले की रहने वाली एक लड़की ने ऐसा काम किया है जिससे भविष्य में कई लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। 27 साल की यह आदिवासी लड़की व्यावसायिक विमान उड़ाने वाली राज्य की पहली महिला बन गई है। इस लड़की का नाम अनुप्रिया मधुमिता लाकड़ा है, जो मलकानगिरी जिले के पुलिस कांस्टेबल की बेटी है। उसका बचपन से पायलट बनने का सपना था, जो इस महीने इंडिगो एयरलाइन में बतौर को पायलट के तौर पर शामिल होने से पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक ही होगा उच्च न्यायालय। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। स्टेट जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर राजीव गुप्ता ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों में 108 केंद्रीय कानून लागू होंगे, जबकि 164 राज्य के कानून खत्म हो जाएंगे। वहीं 166 राज्य के कानून लागू रहेंगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। राफेल नडाल बने यूएस ओपन चैंपियन। 5 घंटे तक चले मैच में मेदवेदेव को हराकर जीता 19वां ग्रैंड स्लैम। स्पेन के स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल ने रविवार देर रात तकरीबन 5 घंटे तक चले फाइनल मुकाबले में अपने चौथा यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम न्यूयॉर्क के आर्थर एशे में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में नडाल ने रूस के डेनिल मेदवेदेव को 5 सेटों में हराकर अपना 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। नडाल ने मेदवेदेव को 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 से हराया। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम में जीत के नडाल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एमजी हेक्टर खरीदने का मौका, अक्टूबर से फिर शुरू हो रही बुकिंग।
की पहली कार MG हेक्टर को भारत में शानदार रेस्पॉन्स मिला, लिहाजा कंपनी ने इस कार की बुकिंग बंद कर दी। अभी तक कंपनी को 28,000 से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी है। इस कार को प्रोडक्शन क्षमता से ज्यादा बेहतर रेस्पॉन्स मिला। अब कंपनी ने फेस्टिवल सीजन से पहले अक्टूबर में इस कार के लिए बुकिंग ओपन करने का फैसला किया है। यानी अगर आप अभी तक ये कार नहीं खरीद पाए हैं तो अगले महीने आप इस कार की बुकिंग कर सकेंगे। प्ले स्टोर पर सर्च करें न्याय भारत, इंस्टॉल करें हमारा ऐप, क्लिक करें अपलोड माय वीडियो पर, मेंशन करें अपनी डिटेल्स, अपलोड करें अपनी फोटो और शूट की हुई वीडियो जो बन सके हमारी खबर का हिस्सा। अगर आपकी वीडियो होगी हमारे नियमों के अनुसार तो आपको मिलेगी 100 से 500 रुपए तक की धनराशि। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्याय भारत।